गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पैडागोजी ऑफ कॉमर्स, पैडागोजी ऑफ मैथ्स और पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर आज हम लेके आए हैं करिकुलम। क्वेश्चन चाहे डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आ जाए, क्वेश्चन चाहे आ जाएगी प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, कंस्ट्रक्शंस ऑफ करिकुलम, तब आपने आज जितना कराऊंगी उतना ही क्वेश्चन आप डालाओगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं, पहले इसका मीनिंग करते हैं कि मीनिंग में क्या आएगा। फोर्थ ए के अंदर भी हमने फोर्थ बी में भी हमने किया था कि करिकुलम, आप मीनिंग वहाँ से भी उठा सकते हो, तो यहाँ पर भी आप सेम मीनिंग डाल सकते हो। जो करिकुलम का मीनिंग है, ये करिकुलम वर्ड जो है लेटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है कुरियर, विच मीन्स की रेस कोर्स, कि एक ऐसा ट्रैक जिसके ऊपर हम चलकर अपनी रेस को जीतते हैं। सेम ऐसे ही करिकुलम को बोला गया है कि वो एक ट्रैक है, वो एक पाथ है, वो एक मीडियम है जिसके ऊपर टीचर अपने बच्चों को चलाता है। यही एक ऐसा मीडियम है कि जहाँ पर बच्चे और टीचर्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं। आप लोग खुद देखते हो कि क्लासरूम में जब भी टीचर आएगा, टॉपिक लेकर आएगा, वो टॉपिक कहाँ से होगा, करिकुलम से होगा, आपके सिलेबस में से होगा। आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ करिकुलम कभी भी टीचर क्लास में कंटेंट लेकर नहीं आता। ठीक है, तो करिकुलम इनफैक्ट इज़ अ मीन्स विच चिल्ड्रन एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर एनवायरनमेंट। तो बच्चों के लिए करिकुलम बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि दे वॉन्ट टू अचीव देयर एम ऑफ द लाइफ, दे वॉन्ट टू क्लियर दैट क्लास। अगर स्टूडेंट्स जो है करिकुलम या सिलेबस को अच्छे से नहीं करेंगे तो दे कैन नॉट बी प्रमोटेड इन द नेक्स्ट क्लास। सो तो करिकुलम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है टीचर्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टीचर्स को भी अपना एम जो है, ऑब्जेक्टिव जो है लर्निंग का, वो कम्प्लीट कराना होता है, सेम बच्चों को करना होता है। ठीक है, तो इसकी आज मीनिंग देखते हैं। करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट, ये डेफिनेशन मैंने फोर्थ बी में भी कराई थी, बहुत अच्छे से कराई थी कि करिकुलम क्या है, एक टूल है इन द हैंड ऑफ द टीचर, टीचर के हैंड में टूल है टू मोल्ड देयर पीपल, अपने बच्चों को मोल्ड करने के लिए, अपना मटेरियल को मोल्ड करने के लिए। उसका स्टूडियो क्या होगा, उसका स्टूडियो होगा स्कूल या उसका एनवायरनमेंट। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटीरियल अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो। यहाँ पर मेन चार पांच चीज़ों पे हमने स्ट्रेस दिया है कि आर्टिस्ट बोला है, आर्टिस्ट किसको बोला है, टीचर को बोला है, उसका मटीरियल क्या है, उसके बच्चे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर टीचर क्लासरूम में आता है, उसका स्टूडियो क्या है, उसका स्कूल, उसके स्कूल का एनवायरनमेंट। वन मोर डेफिनेशन, द करिकुलम इज द सम ऑफ टोटल एफर्ट्स ऑफ द स्कूल टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंजेस या डिजायर्ड आउटकम्स इन स्कूल एंड इन आउट ऑफ द स्कूल सिचुएशन, कि जितना भी डिजायर्ड आउटकम चाहिए बच्चों के रिगार्डिंग, चाहे आप स्कूल में से निकालें या स्कूल के बाहर जाके आप उनको कराएं, कि जो बिहेवियर आप मॉडिफाई करना चाहते हो अपने बच्चों का, तो आप वहाँ पर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ करिकुलम। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल के सिलेबस के साथ साथ बच्चों को कराई जाती हैं, जिनसे बच्चों की करेक्टर बिल्डिंग होती है, मॉरल वैल्यूज़ उनमें इम्बाइब की जाती हैं, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ उनमें इम्बाइब की जाती हैं। तो प्रोसीजर क्या रखा जाता है, सबसे पहले जब भी हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट रखते हैं करते हैं तो उसका कुछ प्रोसीजर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड ऑफ द सोसाइटी जो है वो देखी जाती है कि आज के ईरा में जैसे टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हर एक स्कूल्स के करिकुलम के अंदर माइंड की एक्टिविटी प्लस टेक्नोलॉजी के साथ उन एक्टिविटीज़ को कराया जाता है। तो दिस इज़ द नीड ऑफ द सोसाइटी, ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव से आप चेंजेस जो है परफॉर्म कर रहे हो, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपने अपने करिकुलम में ऐड ऑन की हैं, मेथड्स, किन मेथड्स के थ्रू आप अपने जो बच्चे हैं उनको कराओगे, उनको पढ़ाओगे, कौन कौन से मेथड्स हैं जहां पर आपने मेनली स्ट्रेस आउट करना है ताकि आपके बच्चों का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो सके। देन लर्निंग प्रोसेस, कौन सी लर्निंग प्रोसेस रखी जाएगी डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम के अंदर, कैसे बिहेवियर चेंजेस जो हैं वो बच्चों के अंदर आए जाएंगे,
यहाँ पर हमने बताना है। देन है इवेल्युएशन, द करिकुलम मस्ट प्रोवाइड क्राइटेरियन टेस्ट। यहाँ पर जब भी हम करिकुलम की बात करेंगे तो क्राइटेरियन टेस्ट की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्स ही इज टेकिंग। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स फॉर या दीज आर द प्रोसीजर्स फॉर करिकुलम। नाउ वी टॉक अबाउट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको कीप इन माइंड रखना है वाइल कंस्ट्रक्टिंग द करिकुलम। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। आज के टाइम के अकॉर्डिंगली साइकोलॉजी ये कहती है कि जो भी करिकुलम आप कंस्ट्रक्ट करो वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। थोड़ा टाइम पहले की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी करिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता था, वो कंटेंट सेंटर या टीचर सेंटर्ड होता था कि कंटेंट को प्रायोरिटी दी जाती थी या टीचर अपने ही जो कंटेंट लेके आया टीचर सब कुछ था कि जो जिसे हम बोलते हैं आचार्य जी या गुरु, गुरुकुल के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो जो गुरु ने करा दिया वही बेस्ट है। बट आज के टाइम में क्या कहते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड, कि चाइल्ड की नीड के अकॉर्डिंगली आपने कोर्स को डिज़ाइन करना है, चाइल्ड की डिज़ायर के अकॉर्डिंगली आपने करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है। तो वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस की किताबें बच्चों के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, कि बच्चे उनको अपने अकॉर्डिंगली करें, ये नहीं है कि किताबें में जो ज्ञान है वो ठूसना है बच्चों के अंदर, नहीं। आपने क्या करना है कि बुक्स को बच्चों के अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करनी है, करिकुलम जो है वो बच्चों के लिए बनाया जाना चाहिए। देन है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। सेम अभी हम बात कर रहे थे कि सोसाइटी की नीड आज क्या है, कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, सब कुछ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो नीड भी इसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होगी। बच्चे ने कहाँ रहना है, कम्युनिटी में रहना है, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कम्युनिटी में एग्जिस्ट करेगा। अगर करिकुलम या बच्चे के साथ कम्युनिटी के साथ कोप अप ही नहीं कर पा रहा, सोसाइटी में जाकर वो रह ही नहीं पा रहा, ना वो एडजस्ट हो पा रहा, तो ऐसे करिकुलम का भी कोई बेनिफिट नहीं होता। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, देन वो अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी नीड, कम्युनिटी के हिसाब से ही उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम। जैसे कम्युनिटी की नीड्स चेंज होंगी टाइम के हिसाब से करिकुलम को भी अपडेशन की ज़रूरत होगी वैसे ही। देन प्रिंसिपल ऑफ कीपिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन व्यू कि एजुकेशन के जितने भी एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं उनको माइंड में रखना है। हम एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को निग्लेक्ट नहीं कर सकते ऑन द बिहाफ ऑफ चाइल्ड या ऑन द बिहाफ ऑफ कम्युनिटी, तो हमें एम्स और ऑब्जेक्टिव जो है एजुकेशन के वो भी हमें माइंड में रखने हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर रिजिड होगा करिकुलम तो चेंजेस वहाँ पर लाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। ठीक है, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंगली, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 2 साल बाद या एवरी ईयर उसके ऊपर एक बार हमें क्या करना है, नज़र डालनी है कि वो आउटडेटेड तो नहीं हो गया, उसको टाइम टू टाइम हमें अपडेट करने की ज़रूरत रहती है। देन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर करिकुलम के अंदर क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट नहीं है तो बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो क्रिएटिविटी इज़ वेरी मच इन ओवरऑल ऑल डेवलपमेंट ऑफ अ child and it is only possible if we have creativity in the curriculum, so it should be keep in mind while framing the creativity. Creativity is a very must. Principle of utility, अगर आपका curriculum बच्चों के किसी भी तरीके से काम नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल waste है। तो curriculum कैसा होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, आप सोसाइटी में जाकर उसको यूज़ कर सको, अप्लाई अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सको। अगर आप अपनी नॉलेज कहीं पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स कि करिकुलम कैसा है, यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो यूज़फुल नहीं हो रहा। इट इज़ सैड दैट द नॉलेज विच इज़ नॉट यूज़फुल इज़ वर्थलेस, सो द स्टडी मटीरियल विच इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अस इज़ worthless, so it should be made useful for the society. The curriculum should be such as provide such type of knowledge which will prepare there for the future life in such a way as to make him capable of
फेसिंग चैलेंजेस इन फ्यूचर, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, अभी हम बात कर रहे थे कि आगे आने वाले 4 साल 5 सालों में क्या होगा, क्या टेक्नोलॉजी आएगी, तो बच्चों को उनके साथ डील करना हमें सिखाना है। फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, बच्चों को आप दिखा पाओ कि आप आने वाले टाइम में कैसे डील करोगे, कैसे आपके सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उनको कैसे फेस करोगे। तो सो अ गुड करिकुलम शुड गिव मोर प्रेफरेंस टू द फ्यूचर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी, बिकॉज चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ टुमारो। सो दे शुड गेट दैट टाइप ऑफ नॉलेज विच अनेबल देम टू लुक फॉरवर्ड इन फ्यूचर एंड सो दैट दे विल बी एबल टू डू प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे सो दैट इट मे प्रोवाइड मोटिवेशन टू द चाइल्ड। बच्चों के अंदर इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों का प्रोविज़न होना चाहिए। अगर करिकुलम के अंदर मोटिवेशनल पॉइंट नहीं है तो दे गेट डीमोटिवेटेड एंड दे डोंट वांट टू डू स्टडीज़, बिकॉज स्टडीज़ करने के लिए हमें मोटिवेशनल होना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स टाइम टू टाइम अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, अगर वो मोटिवेट नहीं करेंगे तो बच्चे जो है वो फर्दर स्टडीज़ नहीं कर पाएंगे। सो करिकुलम शुड बी फ्रेम इन सच अ वे सो इट मे प्रोवाइड मोटिवेशन टू द चाइल्ड। इफ इट डजंट मोटिवेट द लर्नर्स टू लर्न इट वुड नेवर एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सो टीचर्स शुड ऑल्सो बी मोटिवेशनल फॉर स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स कि आप एक चीज नहीं कराओगे, आप अपनी चीज़ कराने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करोगे, ठीक है। आप बच्चों की जैसे एग्जांपल है कि अगर आपको बच्चे को कुछ चीज़ ड्रॉ करानी है तो आपने ड्राइंग में कुछ सिखाया, एंगल सिखाए, तो आप एक जगह की सीखी हुई चीज़ आप उनको नेक्स्ट जगह पर नई चीज़ सिखाने में आप उनको याद करा सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि आप अपनी नॉलेज को इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो सो इंटीग्रेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड नीड्स एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी। इट शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे सो दैट अ चाइल्ड मे फाइंड हिमसेल्फ इन अ सोसाइटी। आप उनको बता सकते हो कि ये आपकी नीड्स हैं, ये सोसाइटी की नीड्स हैं, तो हम उनको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो करिकुलम फ्रेमिंग जो होगी वो इस चीज़ में हेल्प कर सकती है। देन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिंग एंड ट्रांसफरिंग सिग्निफिकेंट एंड मीनिंगफुल कंटेंट टू बिल्ड वोकेशनल कॉम्पिटेंस। देन प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट सेंटर्डनेस, सेम एज हम बोल रहे हैं कि कम्युनिटी सेंटर्ड होना चाहिए, सोसाइटी सेंटर्ड होना चाहिए, तो वो एनवायरनमेंट सेंटर्ड भी होना चाहिए। बिकॉज द मेन पर्पज ऑफ कॉमर्स इज़ टू फैमिलियर द स्टूडेंट विद देयर एनवायरनमेंट। अगर वो मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो, अगर कॉमर्स का बच्चा अगर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट से वो नहीं है, अपने फैमिलियर नहीं है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट से या अपने नेशन के एनवायरनमेंट से, तो वो मार्केटिंग बिजनेस जो है वो अच्छे से नहीं कर सकता। देन है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट इज़ द मेन एलिमेंट विच शुड बी कीप इन माइंड वाइल फ्रेमिंग द करिकुलम। एज द करिकुलम इज मेड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द देयर नीड एंड एप्टीट्यूड, then people get more interest in studying their subject matter, ठीक है। then है principle of correlation, curriculum must observe the principle of correlation, life in school is should be correlated with life, अगर life से link नहीं कर पा रहा curriculum तो वो life में कुछ भी नहीं दे पाएगा। तो करिकुलम को जब कंस्ट्रक्ट फ्रेम आउट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तब ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि वो लाइफ से लिंक होना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए, वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो एनवायरनमेंट के सेंटर्ड होना चाहिए, वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के एलिमेंट्स जो है वो रखे जाने चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए, करिकुलम जो है वो मोटिवेशन प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग वाला होना चाहिए,
यूज़फुल होना चाहिए, वर्थलेस नहीं होना चाहिए। उसकी यूटिलिटी हमें नज़र में आनी चाहिए। क्रिएटिविटी का ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, तब भी किसी काम का नहीं है। तो ये सारे क्या थे, प्रिंसिपल्स हैं व्हाइल फ्रेमिंग द करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कि जब भी हमने करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना है तो हमने यहाँ पर उसके फिर आएगा कि कुछ सजेशंस हैं कि जो आज का करिकुलम है, जो आप करिकुलम प्लस वन में कॉमर्स के बच्चों की बात है कि अगर प्लस वन में जो आप करिकुलम पढ़ रहे हो वहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सजेशंस क्या हैं, वो आप इन प्रिंसिपल्स के बाद डाल सकते हो कि एक्चुअल में जो आज का करिकुलम हम लोग रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिससे हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या कमियाँ हैं, तो उसको हम कैसे क्या सजेशंस दे सकते हैं कि उसको आप अपडेट कर पाओ। तो आज का क्वेश्चन यही था। आपके पास चाहे कॉमर्स है, चाहे कंप्यूटर साइंस है या मैथ्स है, तीनों के सिलेबस में सेम क्वेश्चन है, तो आप ये क्वेश्चन आप वहाँ पर लिख सकते हो। थैंक यू।